मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग कैलकुलेशन स्किल के डे टू में हैं, लेकिन आप डे टू आने से पहले मुझे उम्मीद है कि डे फर्स्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। और जो बच्चे डे टू में डायरेक्ट आए हैं, प्लीज़ डे वन में पहले परसेंटेज कैलकुलेशन का देख लें वीडियो, उसके बाद डे टू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए करते हैं इसको शुरू। परसेंटेज के डे टू आने से पहले हम डे वन का थोड़ा सा करेंगे रिवाइज। देखिए, आपको हमने सिखाया था जैसे 120 का 180% निकालना और 75 का 36% निकालना और 48 का 35% निकालना और 55 का 550 का सपोज दैट 32% निकालना और मान 84 का 13% निकालना। देखिए, अगर ये सब आपको कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए मैं कल आपको बहुत सारी बात बताया था, तो इसी को हम थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज आगे बढ़ेंगे। तो 120 का 180% निकालने के लिए लोग जनरली तौर पे करते हैं 120 गुना 180 बटा 100, और ये जीरो से यहाँ काटते हैं, यहाँ से यहाँ काटते हैं और गुना करते हैं। 18 दुना 36, 18 और 3 21, यही करते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को मेंटली कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जब कभी भी परसेंटेज हटाने की बात हो तो आप 00 अगर निकाल देते हैं तो आपका परसेंटेज हट जाता है और इसको गुना कर देते हैं, आपका काम ख़त्म हो जाता है। 18 दुना 36 और 18 3 21, यानी परसेंटेज सोल्व करने के लिए आप 00 हटा सकते हैं। अब यहाँ बात आते हैं, तो आप इसको लोग जनरली तौर पे करते हैं 75 गुना 36 और बट्टे के 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 9 चौका 36, 9 तिया 27, यही करते हैं। लेकिन हमको करना इसको मेंटली कैलकुलेट, तो मेंटली कैलकुलेट करने के लिए आप 75 और 36 या कोई ऐसा फंक्शन मिले जिसमें एक तरफ 25 और एक तरफ 4 मिले तो भी परसेंटेज हट जाता है, क्योंकि आपको गुना में बताए थे कि अगर एक साइड 25 और एक साइड 4 निकालते हैं तो लास्ट में आपको 00 बैठाना होता है। और अभी बात हुआ कि परसेंटेज हटता है 00 से, यानी 25 4 भी आपका 00 प्रदान करता है। इसका मतलब परसेंटेज हटाने के लिए आप 25 4 भी हटा सकते हैं। अब यहाँ आइए, यहाँ अगर हम आते हैं तो ध्यान से देखिए, 4 है बट 25 नहीं है, तो इस स्थिति में आप जनरली तौर पे करते हैं 38 गुना 35 और बटा का 100 और यहाँ से आप 24 दुना 48, 7 पचे 35 और 5 दुना 10, खत्म हो गया, 5 दुना 10 एगो जीरो बच गया। तो यहाँ करते हैं आप गुना, तो गुना करते हैं तो 7 चौका 28, 7 दुना 14 अदू 16, और जिनको टेबल डायरेक्ट याद है 24 सत्य और 68 से डायरेक्ट करेंगे, और बट्टा 10 का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ हमको करना है मेंटली और करेंगे ऐसे, जब कभी भी 00 अथवा 25 4 नहीं मिले और एक तरफ 5 मिले और एक तरफ 2 मिले तो आप इसको हटा सकते हैं, और 5 दूसरे परसेंटेज का एक ही जीरो हट पाएगा और एक बच जाएगा, तो एक बच जाएगा तो इसके लिए आप गुना कर कर जो इधर बचा जो इधर बचा इसको प्रोडक्ट करिए 24 सत्य 68 से और डेसिमल एक अंक के बाद देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ तुरंत आएगा, सर 50 4 है,
पचास चार आप निकाल लीजिए, परसेंटेज हट जाएगा, सॉरी पच्चीस चार। तो देखो अगर कभी भी पच्चीस चार मिले तो उसको हटा दो, ये बात सही है, लेकिन उसके लिए आपको जीरो काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीरो आपके गुना के टर्म में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए क्योंकि 19 गुना 10 करना अगर कहीं है तो तुरंत आप मेंटली बोल देते हैं 190, 19 गुना 20 करना हो तो आप तुरंत गुना करते हैं 19 गुना 38 है, एगो जीरो लगा देंगे। जब आपका इस टाइप के गुना को कहते हैं अरे ये तो हलवा है, बहुत आसान है, जैसे अगर मान लिया जाए 23 गुना 50 रहता है तो आप 23 गुना 50 करने में तुरंत कहते हैं 23 × 15 से और आपका एक जीरो लगा देंगे। जब ऐसा करते हैं कि अगर जीरो है तो आप समझते हैं कि गुना आसान है, तो कभी भी अगर जीरो है तो उसको मत हटाइए, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको 5 ही दूसरे काम चला लीजिए, 11 × 55 और 16 × 32 एगो हटा दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए और गुना करने से पहले आप इसको भी अब हटा सकते हैं। देखिए एक यहाँ से 5 दो से हटा दिए और एक यहाँ से 0 से हटा दिए, अब इसको देखिए 176 आपका आसानी से हो जाता है। यानी कहना हम ये चाहते हैं कि अगर 25 4 भी मिले और 00 भी मिले तो पहले 25 4 हटाइए, और अगर कहीं पर जीरो है और उससे पहले 5 2 वगैरह हट रहा है तो हटाइए। अब आगे देखिए, यहाँ आपके दिमाग में आएगा कुछ नहीं है, 25 4 भी नहीं है, 5 2 भी नहीं है, सिंगल जीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट गुना करो, 13 × 52 और 13 × 74 से 104 और 5 109 और दशमलव 2 अंक के बाद। और ये सब चीज़ को हम और आगे आसान करेंगे कि इतना गुना करने में आपको लेट ना हो, इसको बोलते हैं टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित कर कर परसेंटेज को फाइंड आउट करना, तो हम तीसरे या चौथे क्लास में चल रहे होंगे कि टुकड़ों में विभाजित करके परसेंटेज मेंटली कैलकुलेट करना। तो अभी हम लोग डे टू में सीखेंगे केवल, आज बहुत सारा प्रैक्टिस, थर्ड क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लंबे लंबे परसेंटेज को टुकड़ों में विभक्त करके मेंटली जोड़ घटाव करके परसेंटेज ज्ञात करना। तो अभी सबसे पहले आप बताइए परसेंटेज को सोल्व करने के लिए, परसेंटेज को सोल्व करने के लिए क्या क्या सीखें। आपने सीखा कि 25 4 मिलेगा तो परसेंटेज फिनिश, 25 4 नहीं मिलता है तो 00 खोजिए परसेंटेज फिनिश, अगर ये नहीं मिलता है तो 5 2 हटाइए और एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, और अगर ये मिलता है 5 2 और एक 0 तो भी परसेंटेज फिनिश, अगर आपका कुछ नहीं मिलता है तो गुना करके दशमलव 2 अंक के बाद दे देंगे दाईं ओर से। तो ये सब बातें हैं, और अगर आपका कुछ नहीं मिलता है तो मैंने बताया दशमलव 2 अंक के बाद, और अगर 25 4 और 00 दोनों आपके क्वेश्चन पर अवेलेबल है और परसेंटेज को सॉल्व करना हो तो 25 4 हटाएंगे, क्योंकि उससे गुना करना आसान हो जाता है। तो चलिए इस पे करते हैं कुछ अभ्यास, एकदम स्लो से चलते हैं, बहुत ऊपर तक चलेंगे। जैसे देखिए मान लिया जाए 40 का 80% निकालना हो, मान लिया जाए 32 का 50% निकालना हो, मान लिया जाए 125 का 52%, 44 का 75%। चलिए देखिए हम आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं और फिर आपको हम तुरंत बनाने बोलेंगे और उस पर आप कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज जैसी हटाना है 00 हटा दिए, काम खत्म, 8 × 34, कैलकुलेशन फिनिश। यहाँ देखिए आप कहेंगे सर यहाँ परसेंटेज हटाना है क्या करें, अरे हम बोलेंगे 5 यहाँ से हटाओ, 2 यहाँ से हटाओ, 16 × 32 = 5, इसके लिए यहाँ खत्म, केवल 16। और एक तरीका है कि 32 का अगर 50% बोलता है, तो देखिए कल हम बताए थे
कि 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो फटाक से 32 का 50% मतलब 32 का आधा यानी 16, ऐसे करिए। तो कहीं कहीं पे आप परसेंटेज का फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है। यहाँ देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए 25 4, तो 25 5 125, 13 4 52 और 13 5 65, ये हो गया। यहाँ देखिए, इसको आप किसी भी तरीके से करो, कहोगे सर परसेंटेज हटाना है 25 से हटा लेते हैं, 25 3 75 और 11 4 44, आपका 11 3 33। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर आपने कहा 44 का 75%, तो हम 75% का मतलब जानते हैं फ्रैक्शन में 3/4, कल की क्लास में बताया है, और आप कहेंगे 11 3 33। आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे, लेकिन एग्जाम में विद इन सेकेंड करना है इसको। चलिए आगे, अब आप थोड़ा सा इस पे खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, हम सवाल लिख दे रहे हैं, आप करके देखिए। 160 का 520%, 2300 का 240%, 45 का 520%, 85 का 240%, 125 का 36%। जल्दी से इसको आप सॉल्व करें, 35 का 440%, 720 का 75%, 360 का 11.9%, 72 का 450%, 450%। जल्दी से इसको करेंगे आप लोग सॉल्व, उसके बाद चलेंगे हम आगे। जब तक मैं इसमें रिफिल डाल लेता हूं, देखिए 160 का 520% निकालना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए 00 हटा देंगे। अब कर देंगे गुना, 16 2 32 और 16 5 80 और 3 83। देखिए आगे, देखिए परसेंटेज हटाने के लिए आप 00 लीजिए हटा, और इसको गुना कर दीजिए 24 3 72 और 24 2 48, 48 और 7 हो गया 55, और ये 0 यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा 5520। यहाँ देखिए परसेंटेज हटाने के लिए आप यहाँ पर क्या करिए, पहले तो 5 2 यहाँ से मिल रहा है, 26 2 52, और यहाँ से आप 0 हटा देंगे, ठीक है। अब 9 गुना 26 करना है, तो देखिए 9 6 54 और 9 2 18 5 23, लेकिन हम आपको कहेंगे कि 26 का टेबल आपको याद होना चाहिए, 26 नंबर 234। देखिए अब हमको 85 का निकालना है 240%, तो परसेंट हटाने के लिए 1 5 निकाल लिए यहाँ से, 1 2 निकाल लिए यहाँ से, 5 2 हट गया, और इसके लिए 0 हटा दिए। अब आप कर दीजिए कैलकुलेट, 87 84
अब 12 एकम 12, 12 और 8 20, 204। आगे देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए 25 चार, तो 25 पचे 125 और 9 चौका 36, ये हो गया 9 पचे 45। ये आगे देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पर हम हटाएंगे 5 और 2 और यहाँ के लिए 0, यानी 5 2 और 0 मिलकर परसेंटेज को हटा लेगा और 22 गुना 7 करेंगे तो देखिए 154 आएगा। और टेबल वगैरह याद रखिए, 22 सत्ते 54 से। यहाँ देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए अगर यहाँ पर 5 निकालते हो और यहाँ पर 2 निकालते हो तो फिर आपको और गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है परसेंटेज हटाने के लिए अगर 25 और 4 मिलता है तो एक साथ निकालो, 25 यहाँ से 4 यहाँ से, 18 तिया 54 और एक जीरो बच गया तो 540, क्योंकि 25 4 से तो परसेंटेज हट ही जाएगा। इसके लिए तो क्या कहना है, 11 पूर्णांक 1/9 परसेंट का फ्रैक्शन बताए थे 1/9 और आपका आंसर हो गया 40। यहाँ देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करिए कि अगर आपको जीरो हटाने से बेटर है, आप यहाँ से 5 हटा लीजिए, यहाँ से 2 हटा लीजिए और एक को यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ से हटा दीजिए। अब 36 गुना 9 करना है तो देखिए, 9 छक 54 और 9 तिया 27, 27 अब 5 हो गया 22, ओहो 27 और 5 32। देखिए, अब आप थोड़ा समझ में आया होगा कि परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना है। 25 4 डबल 0 अथवा 5 2 अथवा सिंगल 0, नहीं कुछ मिले तो गुना करके एक अंक के बाद दशमलव। और बार बार बोल रहे हैं कि 25 4 और डबल 0 दोनों मिले तो आप 25 4 को पहले हटाओगे। चले कुछ और आगे ले चलते हैं आपको। आपके सामने है 4.4 का 85%। दो सौ बीस का 950%, 42 का 85%, 40 का 180%, 35 का 720%, 1320 का 75%, 440 का 550%, 1750 का 440%। चलिए आप लोग करिए इसको। ये 4.4 है, चलिए देखिए। अब
परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ से 5 दो हटेगा, 17 × 5 = 85 और 22 × 44। अब आप क्या करेंगे जो देखिए, गुना करेंगे 17 × 2 = 34, 17 × 2 = 34 और 3 = 37। अब दूसरी बात, दशमलव एक इसका और एक इसका मतलब दो अंकों के बाद होगा। आगे देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए आप 00 मत हटाओ, यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए सबसे पहले 19 हटा दो, छोटा करो, जितना छोटा करिएगा उतना बेनिफिट रहेगा। तो 5 × 2 से एगो परसेंटेज हट गया और इसके लिए एक जीरो हट गया, मतलब इस परसेंटेज का एक जीरो 5 × 2 से, एक जीरो से एक परसेंटेज का जीरो और ख़त्म। यानी अब गुना करना है 11 × 19, तो देखिए आपका हो जाएगा 209। 11 × 19 209 हो गया और एक जीरो बच गया है, तो 2090 हो गया। आगे देखिए, परसेंटेज अगर यहाँ हटाना है तो आप 5 × 2 निकाल लीजिए, 17 × 5 = 85 और 21 × 42, एक ही हट पाया है और एक बच गया है, तो आप गुना करिए, 17 × 1 = 17, 17 × 2 = 34 और 1 = 35 और दशमलव एक अंक के बाद। देखिए परसेंटेज हटाना कोई बड़ी बात नहीं, केवल गुना करने आना चाहिए। यहाँ देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए 00 हटा दिए और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 × 4 = 72। यहाँ देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से पहले 5 निकाल लीजिए और यहाँ से 2 निकाल लीजिए और 1 के लिए 0 हटा दीजिए, मतलब 5, 2 और 0 मिलकर परसेंटेज को फिनिश कर दिया। अब 36 × 7 करना है तो 46 = 42, 27 = 21 और 4 = 25 हो गया। आगे देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए आप यहाँ से 0 और यहाँ से आप 5, 2 मत निकालो, जब 25, 4 डायरेक्ट मिल रहा है तो उस पे ही फोकस करिए, जैसे 25 × 3 = 75 और 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। कितना आसानी से आपका 25, 4 निकल जाने के बाद एकदम छोटा गुना हो जाता है, इसलिए बार बार हम जोर दे रहे हैं, 25, 4 मिले तो डायरेक्ट उसको निकालो, 33 × 3 = 99 और एक जीरो बच गया 990। दूसरी बात, इसमें 1320 का 75% आप यहाँ भी बोल सकते हैं, सर 75% तो हमको 3/4 याद है, तो हम कहेंगे याद है तो कैलकुलेट कर दो, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 33 × 99 990, क्लियर है। आगे देखिए, परसेंटेज हटाने के लिए आपको 00 मिल रहा है तो उसको हटाने से पहले ये सोच लीजिए कि हमको 5, 2 मिलकर छोटा गुना हो रहा है तो पहले गुना छोटा कर लेंगे, तो सिंपली हम इसको 5 यहाँ से निकाल लेंगे, 2 यहाँ से निकाल लेंगे, 1 हट गया और 1 के लिए यहाँ कर देंगे। यानी हम 0 बचा लेना चाहते हैं, क्योंकि 0 से गुना करना, लास्ट में एक 0 रख देना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ 242 और एक जीरो, कितना आसानी से हो जाता है, लेकिन आप 25 और 4 निकालने में टाइम वेस्ट करते और गुना में भी आपको परेशानी आ सकता है। तो चलिए यहाँ देखिए, 25, 4 निकल रहा है तो हम छोटा गुना करेंगे, 25 × 7 = 75 से और यहाँ 11 × 4 = 44 परसेंटेज हो गया फिनिश, 11 × 7 = 77 और 00 बड़े आराम से रख देंगे 7700। यानी बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, परसेंटेज हटाने में 25, 4 मिले और 00 भी है तो 00 काटने से बचिए, 25, 4 को पहले प्राइमरी दीजिए निकालने का, ताकि आपको लास्ट में 00 रखना आसान हो जाए। तो चलिए हम आगे थोड़ा और इस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे। चलिए मैं लिख रहा हूं, सवाल करना है आपको कैलकुलेट, ६४० × 12.5%,
950 का 42 420%, 124 का 1350%, 7200 का 750%, 6.4 का 7.5%, 3.5 का 26%, 17.5 का 520%, चलिए करते हैं इसको फिर से कैलकुलेट। देखिए 640 का 12.5% है। आप तुरंत कहेंगे सर परसेंटेज हटाने के लिए 25 से 5 बार में काट देते हैं और ये हो जाएगा 4, 16 चौका 64, और इस डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ से जीरो हटा देते हैं, 16 पचे 80। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 640 का 12.5% तो हमको याद है 1/8, और आपका हो जाएगा 8 64, और आपका आंसर 80। जैसे आपको याद है वो तरीका बेहतरीन है। यहाँ देखिए परसेंटेज हटाने के लिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में डबल जीरो हटा देते हैं और उसके बाद उनको 95 × 42 करना पड़ेगा, तो ये सबसे बचकर हम यहाँ से हटाएंगे 5 और यहाँ से हटाएंगे 2 और एक जीरो हटा लेंगे यहाँ से। अब 21 × 19 करना आसान है, 19 × 1 19 19 × 38 1 39, 10 यहाँ लगा देंगे 3990। तो देखिए अब यहाँ से 124 का 1350% निकालना है, तो 124 का 1350% निकालने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले 5 हटा दीजिए, 5 हटाने के लिए 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, ये हो जाएगा 62। अब आप यहाँ कर सकते हैं, देखिए एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, अब गुना कर देना है आपको, 5 × 2 से यहाँ हटा दिए और जीरो यहाँ हटा दिए, तो आप अब आपको करना है गुना। इसके लिए हम बताए थे गुना का नियम, फर्स्ट अंक का गुना फर्स्ट अंक से, 7 × 2 = 14, फिर पास को पास से, दूर को दूर से, तो 2 × 2 = 4 और 7 × 6 = 42, 42 × 4 = 46, 1 = 47, 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 16, 1674। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए 7200 का 750% करना है, ये काफ़ी आसान है। अगर हम परसेंटेज हटाने के लिए 25 और 4 मिले तो 18 × 4 = 72, 25 × 3 = 75, 18 × 3 = 54, और ये आपका 30 लग जाएगा, तो आपका 30 लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा 54000। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पर 25 × 4 हटा लेंगे, 25 × 3 = 75 और 16 × 4 = 64। अब करना है हमको इसको गुना,
तो 16 48 और परसेंटेज हटाने के लिए हमने 25 चार तो हटाया, लेकिन डेसिमल यहाँ पर हमारा बचा हुआ है तो 0.48 हो जाएगा, 0.48। आगे देखिए, यहाँ पर 3.5 का 26% निकालना है, तो एक के लिए 13 दूर निकाल लिए, एक के लिए 5 निकाल लिए, तो यहाँ हो जाएगा 7 63 91। और देखिए, एक डेसिमल ये बच गया और एक डेसिमल ये बच गया, यानी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, इसलिए आपका आंसर 0.91 होगा। आगे देखिए, ये परसेंटेज हटाने के लिए 25 4 को हटाएंगे तो 25 4 एकदम आराम से मिल रहा है 25 7 75 से, और 13 4 52 परसेंटेज खत्म, और 0 से ये दशमलव भी खत्म, और यहाँ आंसर हो जाएगा 63 91। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के प्रैक्टिस जो कैलकुलेशन परसेंटेज का हमने करवाया है, आपको बेहद आसान और समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसका 2 क्लास और करेंगे, जिसमें कल सीखेंगे इसमें और कुछ बातें कि परसेंटेज में कैसे हम लंबे परसेंटेज के कैलकुलेशन को टुकड़ों में विभक्त करके आराम से निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं स्प्लिट परसेंटेज कैलकुलेशन करना, जो कि हम कल के क्लास में आपको बताएंगे, और लास्ट क्लास में आपको चलेगा परसेंटेज को जोड़ घटाओ कैसे करेंगे। तो हम मिलते हैं अब कल के क्लास में, और कल रेशियो का क्लास लेने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारा साधनों में कमी है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। अब आज का क्लास रेशियो का टाइम 6 बजे ही होगा, टाइम में कोई चेंजिंग नहीं है, वो कभी कभी दिक्कत आने की वजह से उसको कर दिए, और आज प्रैक्टिस का बैच भी चलेगा वो शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको करते रहिए अभ्यास, क्योंकि जितना करेंगे अभ्यास उतना आपका स्किल बढ़ेगा, आप उतना मास्टर बनते जाएंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी आप प्रैक्टिस सेशन को बार बार देखते रहिए। कल हम मिलते हैं यही टाइम पे 11 बजे। टाटा, बाय बाय।